ऊपर दे देते अध्यक्ष। अभी हमारे नाथ योगी समाज में गाय बैल का ये श्रृंगार बनाया जाता है और बरसों से बनाया जा रहा है। इसमें पूरे प्रदेश में सभी नाथ समाज के लोग अपने अपने घर पे 2 महीने पहले सामान ला करके उसको बनाया करते हैं और गौ माता का श्रृंगार है ये, और गाय बैल भैंस जो भी मतलब जानवर है उनका श्रृंगार बनाते आए हैं और बरसों से बनाते हैं। अभी ये समस्या आती जा रही है कि गाय बैल कम होते गए हैं, किसानों के पास ट्रैक्टर आ गए हैं, अब जो मवेशी कम होती जा रही है तो हमारा व्यापार भी कम होता जा रहा है। अब हम सब लोग जितने भी हैं हर जगह हर क्षेत्र में बाजार लगते आए हैं जिसमें केवल गाय बैल का श्रृंगार ही एक मुख्य वो रहता है। अभी आज की जो स्थिति है वो इतनी दयनीय हो गई है कि जिसने अपने पैसे किसी से ब्याज से लेकर के लगाए हैं उसके भी पूरे पैसे नहीं हुए। अभी जो घर के 4 सदस्य या 5 सदस्य तो होते ही हैं, 5 सदस्य काम करते हैं 2 महीने, अब उनकी जो रोजी रोटी का एक ही साधन है जो कि मनिहारी का काम करते आए हैं बरसों से, थोड़ी बहुत सामान उसका मतलब लगाते हैं, ये सीजनली काम है जी, मान लो ये नहीं करेंगे तो उनका 12 महीने का जोहार होता है, 12 महीने का खर्च पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए शासन से अनुरोध करते हैं कि हमें इसके लिए कुछ अनुदान मिले या सहायता मिले, क्योंकि हम गाय गौ माता का पहले से ही संरक्षण करते आए। हमारे गुरु गोरखनाथ जी ने गाय माता के लिए एक विशेष संघर्ष किया था और उन्होंने इसकी गाय को संरक्षण दे करके एक जगह एक इस प्रकार से बचाया था कि कोई आदमी उसको मारने के लिए आया तो गोरखनाथ जी अपनी समाधि में बैठे थे तो उधर से आए बाबा, कहने बाबा ये किधर गाय गई है? उन्होंने बोला नहीं बाबा इधर कोई गाय नहीं गई है। उन्होंने उसको दूसरे उधर रास्ते में भेज दिया और अपनी गौ माता की रक्षा की, वो गाय इनके पीछे वाले रास्ते से निकल गई थी। तो इसलिए उन्होंने हर क्षेत्र में भगवान गोरखनाथ जी एक भगवान शिव अवतार हैं और शिव अवतारी होने के साथ साथ उन्होंने हिंदू धर्म की को बचाने के लिए हर जगह प्रयास किया और गांव में आज भी गुरु गोरखनाथ जी की आन दी जाती है। जब सर्वप्रथम बोनी करने जाता किसान तब नाथ समाज का बंदा वहाँ पर जा कर के हल ठोकता है और वो ये कहते हैं कि भोलेनाथ आज से भगवान हमारे जो किसान हैं भाई हैं उनकी फसल की आप रक्षा करना और पूरे समाज को वो एक सूत्र में बांधने का कार्य करते आए हैं। नाथ संप्रदाय गांव में इस प्रकार जानी जाती है, जैसे गांव में कोई भी आफत आती है तो नाथ महाराज के यहाँ जाते हैं, उन्होंने कोई जैसे ऊपर से वर्षा होती है वो गार गिरती है तो वो गार के लिए बोलते हैं भैया गार हटाओ हैं हमारी फसल नष्ट हो जाएगी, तो उसके लिए भी नाथ महाराज मतलब गार फेरते हैं। मतलब आज देश में परिवर्तन आया है तो नाथ संप्रदाय सामने रोजगार का सबसे बड़ा संकट भी आया है। आज स्थिति ये है कि जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं उनको नौकरी नहीं प्राप्त हो रही है। आज हमारे समाज का हर जगह समाधि स्थल की मतलब समस्या बढ़ती जा रही है। नाथ संप्रदाय में समाधि स्थल समाधि दी जाती है। नाथ संप्रदाय आने वाले समय में सरकार से मांग करना चाह रही कि मंदिर मठों की पूजा अधिकार हमें मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए और समाधि स्थल की जगह जो है हमें मिलनी चाहिए। हमारे नाथ संप्रदाय में प्रथम तो ये है कि सबसे पहले पूजा नाथ संप्रदाय के द्वारा दी की जाती है। क्या आप चाहते हो कि मंदिरों की पूजा आपको मिले? हम ये चाहते हैं भगवान शंकर की जो पूजा है, माता जी का जो स्थान है वो नाथ संप्रदाय को दिया जाए।